अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड भिंडी मसाला। इसको भरवान भिंडी या भरवानी भिंडी भी बोलते हैं। इसके अंदर मसाला भर के बनाया जाता है, तो इस वजह से इसका नाम भरवानी भिंडी है। तो ये भिंडी मैं कैसे बनाती हूँ, तो ये रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। भिंडी को मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से धो लिया था और इसे बिल्कुल खुश्क कर लिया था। भिंडी पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर इसका ये ऊपर का और नीचे का सिरा दोनों तरफ से काट लेना है। आप देखें कि ये मेरे पास जो भिंडी है ये ज़्यादा लंबी है, तो इस वजह से मैं इनको दो हिस्सों में काट रही हूँ। अगर आपके पास भिंडी नॉर्मल साइज़ की है या छोटी है तो आप उसको ऐसे बीच में नहीं काटिएगा। और अब मैं हर पीस को ऐसे बीच में से स्लिट लगा रही हूँ। ये स्लिट ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, बस ऊपर से बीच तक ये स्लिट आ जानी चाहिए। भिंडी को बिल्कुल दो हिस्सों में नहीं काटना है। और इस तरह से मेरे सारे भिंडियों को काट लिया था। और अब हम इसकी स्टफिंग का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में बेसन डाला है और मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसको हमें लो मीडियम हीट पे ड्राई रोस्ट करना है और इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो इसी दौरान मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के ड्राई रोस्ट करेंगे। आप देखें जैसे जैसे ये रोस्ट होती जा रही है तो थोड़ा सा कलर चेंज होता जा रहा है। इसे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो अब ये तैयार है और मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर लिया है। अब इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अब हम मसाले का पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ब्लेंडर में डाला है लहसुन, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक और थोड़ा सा पानी। पानी हमें इतना ही ऐड करना है कि इन मसालों का थिक पेस्ट बन जाए। ज़्यादा रनी पेस्ट नहीं बनाना है। और ये मैंने इसका थिक पेस्ट तैयार किया है। बस इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि इतनी ही होनी चाहिए। जो बेसन हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इस बेसन में से मैं 3 टेबलस्पून बेसन निकाल के अलग कर लूँगी और उस बेसन को हम बाद में यूज़ करेंगे। और जो बेसन हमने निकाला है उसको मैं फ़िलहाल के लिए साइड पे रख रही हूँ। और जो बाकी का बेसन बचा है उसमें मैं ये पिसा हुआ पेस्ट या ब्लेंड किया हुआ पेस्ट, मसालों का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इस बेसन का और इस मसालों के पेस्ट का एक थिक सा बेटर तैयार कर सकें। बीच में अगर थोड़ा से पानी की ज़रूरत पड़े तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन बस पानी इतना ही डालना है कि इसका एक थिक सा बेटर तैयार हो जाए। तो ये बेटर अब तैयार है। ये है स्टफिंग का बेटर और ये बेटर मैं भिंडियों के अंदर भर रही हूँ। ये अच्छी तरह से भिंडी के अंदर भर देना है। मैं स्पून के साथ इसको भर रही हूँ। आपको जैसे भी इजी लगे आप वैसे इसके अंदर भर सकते हैं या आप अपने हाथों की मदद से भी इसमें भर सकते हैं। और जल्दी भी हो जाता है और स्टफिंग भी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आपने सब भिंडी के स्लिट्स के अंदर ये मसाला अच्छी तरह से भर देना है। अब मैंने एक खुले फ्राइंग पैन में ऑयल गरम किया है लो मीडियम हीट पे और इसमें मैं ये अब भिंडी फ्राई कर लूँगी। मैं भिंडी इसमें डाल रही हूँ तो जो कटा हुआ साइड है यानी स्लिट वाला साइड है वो मैं ऑयल के अंदर डाल रही हूँ ताकि वहाँ से जब ये भिंडी पक जाएगी तो इसके अंदर का जो मसाला है वो इसके अंदर लॉक हो जाएगा। तो पहले हमें ऐसे ही पका लेना है उस साइड से। और अब मैं
इसको चम्मच भी चला रही हूँ। अगर ज़ोर से भी चम्मच चलाऊँगी तो ये मसाला इसमें से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बेसन है, बेसन अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। और हर एक भिंडी का साइड अब पलट देना है। हम इनको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही कलर इनका चेंज करना है। आप इसको देखें, अब थोड़ा सा इन पे ब्राउनिश कलर आया है, लेकिन ये अभी भी ग्रीन है, तो इससे ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। तो अब ये भिंडी मैं ऑयल में से निकाल लूँगी। ये भिंडी फ्राई हो चुकी है और इस तरह से मैंने सारी भिंडी को फ्राई कर लिया है। और जिस ऑयल में हमने भिंडी पकाई थी, इसी में मैं डाल रही हूँ मेथी दाना और ज़ीरा। इसको 30 सेकंड्स के लिए लो हीट पे पका लें। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को हम इसके अंदर पका लेंगे ऑयल में, लेकिन प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए प्याज पे। ये लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है और टमाटर को मैंने सिर्फ प्याज में मिक्स किया है। और फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले, जिसमें है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। इस स्टेज पे मसाले डालने से मसाले बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं टमाटर के साथ, और मसाले का रंग भी अच्छा आ जाता है। तो ये मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, अब मैं टमाटर को ढक के पकाऊंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और इसका जो मसाला है उसका भी जायका इसके अंदर अच्छा सा आ जाए। अब ये टमाटर इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं, टमाटर गल चुके हैं और आप देखेंगे मसालों में से अब ऑयल भी निकलने लगा है। तो अब इस स्टेज पे मैं ये डाल दूंगी इसके अंदर रोस्ट किया हुआ बेसन, जो हमने पहले थोड़ा सा अलग करके निकाल के रख दिया था। ये डालते ही आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है पूरे मसाले में, और मसाला इसके बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें डाल दें ये तली हुई भिंडी और अब इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब कोई भी चीज़ पकानी नहीं है बहुत देर तक, बस अच्छी तरह से हर चीज़ को आप मिक्स कर लें ताकि मसाला हर भिंडी पे लग जाए। तो बस इसके बाद ये भिंडी तैयार है, मज़ेदार सी स्टफ्ड भिंडी मसाला या भरवान भिंडी मसाला तैयार है। और ये है वो रेसिपी जिस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।